हेलो 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 हेलो, वेलकम टू लवली किचन। कैसे हैं आप सब लोग? खुश होंगे, मस्त होंगे, मज़े में होंगे, मुझे पता है। थोड़ी सी टेंशन है कोरोना की, लेकिन वो भी चली जाएगी। आज मैं आपको बताने वाली हूँ बिना तेल की दाल मेथी वाली कैसे बनाएंगे झटपट फटाफट। जिनको तेल खाना मना है, जिनको डॉक्टर ने हेल्थ के लिए मना किया है, बिना तेल की चीज़ें खाया कीजिए, टेंशन नहीं। लेकिन फिर भी बहुत टेस्टी बनती है बिना तड़के के, क्योंकि सब कुछ मैं उसमें ही डाल दूँगी। तो चलिए सीखते हैं कैसे। आज मेरे को सुबह सुबह फ़ोन आया व्हाट्सएप पे, वॉइस मैसेज लंदन से बिंदु जी का। थैंक यू वेरी मच बिंदु जी, गॉड ब्लेस यू। और बनारस से काजल जी का, जो कि मुझे सब प्यार करते हैं। बट मैं हर वीडियो में चाहती हूँ सबके नाम बोलना, लेकिन आपको पता ना थोड़ा सा भूल जाती हूँ। तो आप सब लोग जो मुझे प्यार से मैसेज करते हैं, व्हाट्सएप करते हैं, प्यार भरी बातें करते हैं, मेरे से गुफ्तगू करते हैं, उसका तो मज़ा ही कुछ हो रहा जाता है। मोटिवेट हो जाती हूँ। आप सब लोग प्यार से बोलते हैं मैं अपनी लगती हूँ, मैं अपनी हूँ, हाँ मैं अपनी हूँ। अब मैं जगत बन चुकी हूँ, जगत मम्मी, जगत दोस्त, जगत बहन, जो भी रिश्ता आपको चाहिए आप मेरे से रखिए, बट मैं जगत हो चुकी हूँ। थैंक यू वेरी मच आप सबके प्यार के लिए। और बुशरा जी अमरीका से जो मुझे प्यार से व्हाट्सएप भेजती हैं, उनका भी सलाम, उनको भी थैंक यू। जो भी मुझे सऊदी से, लंदन से, यूके से, इंडिया से, दुनिया के कोई कोने से ऐसे नहीं जो कि मुझे मैसेज नहीं करते, मैं बहुत खुश हो जाती, बहुत ही प्यार से भर जाती हूँ। आप सब लोग प्यार से सीखते रहिए। आज मैं अभी मैं ऐसी डिश बता रही हूँ जो बिना तेल की, जिनको डॉक्टर ने मना किया है, जिनको लगता है कि हमको पतले होना है, तेल खाना ही नहीं है, तो हम कैसे कैसे बना सकते हैं, चलिए सीखते हैं। पहले मैंने दाल वाल तो ले ली है, लेकिन मैंने कड़ी पत्ता नहीं लिया। मैं पहले फिर से कड़ी पत्ता ले लूँ। कड़ी पत्ता ज़रूर डालना, आपको हर डिश में डालना है। कड़ी पत्ते के बिना, हमेशा बताती हूँ, कड़ी पत्ता एक मेडिसिन है, हमको कड़ी पत्ता हर चीज़ में ज़रूर लेना है। ये देखिए जल्दी से अभी देखते हैं कि हमको कैसे बनाना है। मैंने लिया, देखिए तुअर की दाल धो के ली है, ये देखिए एक छोटी कटोरी तुअर की दाल मैंने धो के ले ली है। और इसमें डाल देंगे हम सबसे पहले इतना सा कड़ी पत्ता। पत्ते निकाल दीजिए बाद में बेटी, लेकिन पहले डाल लीजिए, क्योंकि ये मेडिसिन है। जिनको भी मेडिसिन जैसे चीज़ें खानी है, उनको कड़ी पत्ता ज़रूर खाना है। और ये देखिए अब मैं टमाटर कट करूँगी, ऐसे मोटे मोटे ही टमाटर कट कर लेने, पीसने नहीं है, दो टमाटर ज़रूर लेने हैं। ये हर चीज़ में हमारे लिए विटामिन सी का काम करता है, टमाटर ज़रूर डालने हैं। मैं ऐसे हाथ से ही देखिए कट करती हूँ, ये देखिए। और ये मैंने लहसुन, देखिए 5-6-10 काड़ी लहसुन की ले लेनी है, मोटी कूटनी नहीं है, कूटने से अलग टेस्ट आता है, साबुत डालने से अलग आता है। ये दो ग्रीन चिल्ली, इसको डाल देंगे सब पूरा का पूरा, देखिए दाल में साबुत लहसुन, साबुत हरी मिर्ची, साबुत कड़ी पत्ता। और ये देखिए ऐसे मेथी काट के आपको धो के रखनी है फ्रिज में, ऐसे उठाना एक बंच, जितनी आपकी दाल है वो हिसाब से आपको इसमें मेथी डाल देनी है। तो ये बन जाएगी आपके लिए मेडिसिन दाल, एक दवाई के जैसे। तेल बिल्कुल नहीं डालेंगे, तड़का बिल्कुल नहीं डालेंगे। अब इसमें डाल दूंगी मैं नमक, टेस्ट के हिसाब से नमक डाल दीजिए। बहुत ही टेस्टी दाल बनती है, बहुत ही मज़ेदार बनती है। हल्दी ज़रूर डालनी है, ये भी एंटीबायोटिक है, आजकल हल्दी के बिना खाने नहीं खाने हैं, हल्दी अच्छे से डालनी है। और थोड़ी सी डाल देनी है रेड चिली बस, और कुछ भी इसमें ऐड नहीं करेंगे, ना जीरा ना कुछ भी नहीं डालेंगे। डालनी है तो थोड़ी सी हम डालेंगे इसमें हींग, जो कि क्योंकि मुझे मेडिसिन दाल बनानी है आपके लिए, ये देखिए थोड़ी सी चुटकी इसी में हींग डाल लीजिए, तो सुपर टेस्ट बनेगा इस दाल का। अब हम इसको कुकर को कर देंगे बंद, ये देखिए सब कुछ मिक्स हो गया इसके अंदर। थोड़ा सा चम्मच से इसको मिक्स कर लीजिए, और पानी उतना डालना है जिससे कि दाल पूरी पक जाए। अभी इसको 4-5 विसल, जितनी गाढ़ी पतली चाहिए वो हिसाब से, थोड़ी सी मेथी और डाल देती हूँ बस। अभी इसको विसल कर देंगे, और 5-6 विसल इसकी बजेंगी अच्छे से, 5-6 विसल हो जाएंगी। और थोड़ा सा मीडियम गैस रखा कीजिए, ताकि वो नीचे से पानी सूख जाए तो जले नहीं। 5-6 विसल होने के बाद में आपकी दाल हो जाएगी रेडी, बिना तड़के से खाइए, खुशबूदार मस्त वाली दाल। ये मैंने रख दी कुकर गैस के ऊपर, इसकी बजेंगी 5-6 विसल और दाल हो जाएगी रेडी। अब मैं अपना किचन समेटती हूँ, सारी चीज़ें रखती हूँ फ्रिज के अंदर, तब तक मेरी दाल हो जाएगी रेडी। चलिए चलिए मेरी दाल देखिए हेल्दी वाली रेडी हो चुकी है, देखिए
गुल गुल के कितनी सुंदर इसकी जो अरोमा आ रही है ना खुशबू कड़ी पत्ते की, कड़ी पत्ता हींग सब की। ये देखिए ये मेडिसिन दाल बन गई है। अब इसको आपको चम्मच से थोड़ा सा बस गोल गोल ऐसे घुमाना है अच्छे से ताकि टमाटर पूरे मैश हो जाएं। 5 मिनट ऐसे कड़छी हिलाते रहेंगे ना। थोड़ा कैमरा नीचे करो दाल को दिखाने को अच्छी। ये देखिए थोड़ा सा आपको थोड़ा सा ऐसे मैश करना है, बॉयल आते जाएँ और चम्मच चलाते जाइए तो एकदम घुल घुल के दाल बन जाती है। लहसुन वसुन जो है ना सब आपको अगर मोटे नहीं खाने तो उसको मैश कर लीजिए ऐसे। अब दाल का कलर देखो कितना प्यारा है, कुछ भी इसमें डालने की ज़रूरत नहीं है, कोई तड़का नहीं कुछ नहीं। बस ये दाल आपको खानी है, अपने राइस के साथ खाइए, रोटी के साथ खाइए, पराठे के साथ खाइए बिना तेल की। इतनी प्यारी खुशबू आ रही है। मैं इसको करती हूँ बॉयल, आपको डाल के दिखाती हूँ फिर इसमें। देखिए कड़ी पत्ते जिसको नहीं पसंद है ऊपर से निकाल दीजिए, बट ये हेल्दी वाली दाल आपको बना के खानी है, खुशबूदार मज़ेदार। देखिए गर्मी कितनी होती है आजकल कि मुझे पसीने आने लगते हैं, बट मैं हेल्दी वाले खाने आपको बता रही हूँ। जिन लोगों को कोई तकलीफ़ है, जिनको डॉक्टर ने मना किया है, उनको ऐसी वाली दालें बना के खानी है। कोई तड़का मत डालिए, कोई ऑयल मत डालिए, लेकिन हींग और कड़ी पत्ते और टमाटर की खुशबू, लहसुन की दाल एकदम परफेक्ट बनी है, सुपर बनी है। बनाइए, खाइए, मस्त रहिए, खुश रहिए। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। चलिए फिर मेरी सुंदर सी प्यारी वाली दाल रेडी है, बाउल किया है मैंने, देखिए कितनी प्यारी। और आज ये दाल मैंने जो हेल्दी वाली दाल बताई है आपको बिना ऑयल की, हेल्थ के लिए, मेरे व्हाट्सएप पे कीर्ति जी हैं। कीर्ति जी आपको पते होना है, आप मुझे मेरे से डाइट पूछती हैं, मैं आपको व्हाट्सएप पे डाइट बताती हूँ, ऐसी वाली दालें बना के खानी हैं तो आपकी सेहत धीरे धीरे अच्छी होती जाएगी। थैंक यू वेरी मच कीर्ति जी, इतने प्यारे प्यारे क्वेश्चन पूछने के लिए। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।